ब्याने के बाद गाय भैंस चारा दाना कम खा रही है, पानी कम पी रही है और कमजोर होती जा रही है, दूध नहीं दे रही है। आज हम इन सारी चीजों का एक ही वीडियो में ट्रीटमेंट बताएंगे और वो कौन सा तरीका है जिसका क्या प्रयोग करेंगे तो गाय भैंस ब्याने के बाद चारा दाना खाने लगेगी। आपने देखा होगा कि जो गाय भैंस ब्याई हुई है, ताजा ब्याई हुई है, ब्याने के बाद वो चारा दाना, कोई पशु तो कम चारा खाता है, कोई दाना बंद कर देता है, कुछ पशु दूध कम कर देता है, कमजोर होता जाता है, कुछ पशु गोबर पतला करता है, यह सब क्यों होता है, इनका क्या ट्रीटमेंट है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में ही मिलने वाली है। तो बने रहे आप इस वीडियो में अंत तक। यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। साथियों, हम चर्चा कर रहे हैं गाय भैंस की। पशु मालिक पशु तो रखता है पर जब उसकी इतनी ज्यादा खुराक कर लेते हैं उसके बाद भी पशुओं में ब्याने के बाद कुछ समस्याएं सामने आती है और उसमें पशु मालिक नाकाम हो जाता है। साथियों, कुछ पशु मालिक तो ऐसे पशुओं का ट्रीटमेंट भी करवा लेता है कि उनका पशु जैसे ही ब्याया और उसने कैल्शियम चढ़वा लिया, बोतल लगवा ली, पर उसके पशुओं में चारा दाना कम खाने की समस्या सॉल्व नहीं होती है। दाना कम खाता रहता है पशु, पानी कम पीता रहता है पशु, दूध कम आता रहता है पशुओं का और पशु कमजोर होता जाता है। साथियों, ये ज्यादातर हमने देखा है कि हर पशु मालिक के साथ में होता है। आज हम इन सारी चीजों का एक सॉलिड ट्रीटमेंट बताएंगे, अच्छा ट्रीटमेंट बताएंगे, ज्यादा महंगा ट्रीटमेंट नहीं बताएंगे और आप घर पे भी कर सकते हैं। तो आप बने रहे हमारे इस वीडियो में और लाइक करें इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि लोग देखते ज्यादा है और लाइक कम करते हैं जिससे हमारा मनोबल गिरता है। तो आप ऐसे वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पे सब्सक्राइबर भी कम बढ़ते हैं तो आप सब्सक्राइब देखते हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हमारा हम आपके लिए जो वीडियो लाते हैं बिल्कुल जेन्युइन वीडियो है, 100% रियल वीडियो है, प्रैक्टिकली वीडियो है और आपको इन वीडियो के द्वारा जो ट्रीटमेंट बताया जाता है उससे पशुओं में नुकसान नहीं होगा। तो साथियों, हमारे इस चैनल पे आप सपोर्ट करते रहिए, सपोर्ट करेंगे तो हम आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे। देखिए, पशुओं में जो समस्याएं होती है ब्याने के बाद की, आज हम उनको पूरी तरीके से सोल्व कर देंगे। यदि आप ये वीडियो पूरा देख लेते हैं तो आपके भी गाय भैंस में ब्याने के बाद की जितनी प्रकार की समस्याएं रहती है उन सभी का हम सोल्यूशन देंगे। देखिए, आपको पता होना चाहिए कि ब्याने के बाद पशुओं में कई चीजों की एक साथ कमी हो जाती है, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, विटामिन्स, मिनरल्स, इन सारी चीजों की एक साथ कमी होती है जिसके कारण पशुओं में ये सारी समस्याएं देखने को मिलती है। साथियों, पशुओं में डेक्सट्रोज की कमी होती है, आयोडीन की कमी होती है, ग्लूकोज की कमी होती है। इन सारी समस्याओं के कारण जब पशु प्रेग्नेंट होता है तब धीरे धीरे उनमें इन चीजों की कमी होती जाती है और जब पशु ब्याता है तो एक तो उसकी जेर अटक जाती है, कभी कभी बछड़ा अटक जाता है, कभी कभी पशुओं में बहुत सारी समस्याएं देखने को मिलती है। तो ये सारी समस्याएं ब्याने के पहले जब आप खुराक करते हैं उसमें हो जाती है। अब हम बात करते हैं कि यदि आपके पशुओं ने बछड़ा तो दे दिया, पशु ब्या तो गया है, अब इन समस्याओं से आप पशुओं को कैसे निकाल सकते हैं। यदि आप ये काम करना सीख गए, आप अच्छे से ट्रीटमेंट करना सीख गए तो आपके पशुओं में भी ये समस्याएं देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि ब्याने के बाद ज्यादातर पशुओं में ये समस्याएं देखने को मिलती है। साथियों, आप यदि ट्रीटमेंट करवाने की सोच रहे हैं तो इस कंडीशन में ब्याने के बाद हमने देखा है कि ज्यादातर पशु मालिक का फोन हमारे पास आता है कि हमारी गाय भैंस ब्याने के बाद उसका चारा पानी कम कर दिया है, पानी कम पी रही है, चारा कम खा रही है और धीरे धीरे करके कमजोर होती जा रही है और दूध तो बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। यह हर डॉक्टर के पास फोन आते हैं, पशु मालिक ट्रीटमेंट करवाते हैं पर ट्रीटमेंट के बाद भी उनको अच्छा रिजल्ट देखने को नहीं मिलता है। साथियों, यदि आपका डायग्नोस गलत है, यदि आप डायग्नोस सही से नहीं करेंगे तो आपके पशुओं में भी आपको यह समस्याएं देखने को मिलेगी। ज्यादातर वेटनरी में पशु मालिक के साथ में यही समस्याएं देखने को मिलती है कि उन्होंने डॉक्टर बुलाया, कुछ डॉक्टर एक दिन इलाज करेंगे, कुछ डॉक्टर दो दिन इलाज करेंगे, कुछ डॉक्टर तीन दिन इलाज करेंगे और कुछ बहुत सारी दवाइयां लिख देंगे, तो इनसे आपको रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। इसकी बजाय पशु उस समय इतनी क्रिटिकल कंडीशन में चला जाता है कि एक तो चारा दाना कम खा रहा है, दूध कम दे रहा है और आप बहुत सारी दवाइयों का प्रयोग करेंगे तो पशु चारा बंद कर देगा। हमने भी बहुत सारे ऐसे केस देखे हैं कि उनका ब्याने के बाद तुरंत ट्रीटमेंट करवा लिया, पशु और कमजोर हो जाएगा, उसको जिस चीज की कमी थी उसकी पूर्ति होने की बजाय पशु और कमजोर हो जाएगा।
तो आपको इन चीजों का विशेष ध्यान रखना है। जब भी आपके पशुओं में ब्याने के बाद चारा कम खा रहा है, दाना कम खा रहा है, खली कम खा रहा है, ये सारी समस्या आ रही है, तो आप क्या करें उसको हम ट्रीटमेंट बता रहे हैं। सर्वप्रथम ऐसे पशुओं के आपको एक अच्छी बोलत से डिवर्मिंग करवाना है। डिवर्मिंग का मतलब ये होता है कि पेट के कीड़े की गोली देना है। एल्बेंडाजोल आती है, ब्याने के बाद आप किसी भी तरह की गोली का यूज करते हैं, एल्बेंडाजोल दे सकते हैं, प्लेन 3000 mg की बोलस एल्बेंडाजोल प्लस आयरमेक्टिन दे सकते हैं, ऑक्सी क्लोजानाइड लिवामिसासोल की बोलस आती है वह दे सकते हैं, अलग अलग फार्म की बोलस आती है, तो आप उसको सुबह खाली पेट एक बोलस दीजिए और 2 घंटे तक चारा दाना मत दीजिए। सबसे पहले आपको यह काम करना है। इसके बाद में आपको देखिए हम जो बता रहे हैं साइरप सीपीई 240 एडवांस, सीपीई 240 एडवांस नाम से साइरप आती है। इसके अंदर सारे विटामिन, कैल्शियम, मिनरल, आयरन, सारी चीजें होती है जो एनर्जी भी देगा पशु को। देखिए ब्याने के बाद पशु में एनर्जी की जरूरत रहती है, तो आपको उसको एनर्जी देना बहुत ही जरूरत है। तो इसमें कैल्शियम होता है, आयरन होता है, फास्फोरस होता है, सारे विटामिन और मिनरल्स होते हैं। एक तो आपने ये पूर्ति करना है, इसके बाद आपको पशुओं में एनर्जी के लिए भी टॉनिक देना रहता है, तो इसमें एनर्जी टॉनिक भी शामिल है। आप एक साइरप देंगे यह पशुओं में 100 तरह की बीमारियों को दूर कर देगा। ब्याने के बाद पशुओं में 100 तरह की बीमारियां होती है, उन सभी को दूर कर देगा। पशु पानी पीने लगेगा, पशु चारा खाने लगेगा, पशु दाना खाने लगेगा, पशु कमजोर रहेगा, उसकी कमजोरी को दूर कर देगा। पशु का जो दूध कम हो रहा है यह मात्र 2 से 3 दिनों में पशुओं का दूध डबल कर देगा, और पशु कमजोर भी नहीं होगा। तो यह मात्र आप सीपीई 240 एडवांस नाम से साइरप आती है, हम आपको स्क्रीन पर भी शो कर देते हैं। इसको आप 100 ग्राम रोज 10 दिन तक देना है। यदि आप यह काम कर लेते हैं तो पशुओं में ब्याने के बाद 100 तरह की जितनी बीमारियां होती है उन 100 तरह की बीमारियों से आप पशुओं को मुक्त कर लेंगे, और पशु आपका पहले जैसा हो जाएगा। जितनी मात्रा में दूध दे रहा था वो देने लगेगा, कभी जेर अटकी होगी वो निकल जाएगी, पशुओं में किसी भी तरह की कमजोरी नहीं रहेगी। जितनी भी तरह की समस्याएं थी, पानी कम पी रहा था, चारा कम खा रहा था, दाना कम खा रहा था, दूध कम दे रहा था, ये सब 100 तरह की बीमारियां एक ही दवाई से ठीक कर लेंगे। आपको न तो ज्यादा महंगी दवाई रहेगी, मात्र 600-700 रुपए में यह कोर्स हो जाएगा, और आपके पशुओं में जितनी तरह की बीमारियां थी वो पूरी तरीके से कवर हो जाएगी। साथियों ये हर जगह मार्केट में मिल जाएगी। यदि आपको मार्केट में ये साइरप नहीं मिलती है तो सेम इसी फार्मूले की यूट्यूब पे सर्च करिए, हमारे चैनल पे देखिए, और इसी फार्मूले में जितनी तरह की दवाइयां कंटेंट रहता है वही कंटेंट वाली दवाइयां आप इसी बहुत सारी मार्केट में मिल जाती है कंपनी चेंज करके, तो आप कंपनी चेंज करके पशुओं में दे सकते हैं। ब्याने के बाद 100 ग्राम रोज पशुओं को दे 10 दिन तक, आपका पशु पूरी तरीके से ठीक होकर तंदुरुस्त हो जाएगा और कोई समस्या देखने को नहीं मिलेगी। साथियों यदि आप इस तरीके से पशुओं की देखभाल करेंगे तो आपके पशुओं में भी ब्याने के बाद न तो दूध कम होगा, न चारा दाना कम खाएगा, किसी भी तरह की समस्याएं आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो आप यह काम करके देखिए, आपके पशुओं में किसी भी तरह की कोई समस्याएं देखने को भी नहीं मिलेगी। आशा करता हूं कि वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।